गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज सॉरी चैप्टर टू का लास्ट एक्सरसाइज है। तो आज ये चैप्टर आपका खत्म होने वाला है, चैप्टर जो है ना लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ये आज आपका खत्म हो जाएगा। तो करते हैं क्वेश्चन इसका, एक्सरसाइज 2.6। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, वही आपको करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 8x-3 by 3x equal 2। देखो आप देख रहे हो कि इधर जो है वो क्या है, रैशनल है, और इधर होल नंबर है। तो सबसे पहले आप इसे भी रैशनल में कन्वर्ट कर दो, ओके। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, मीन्स इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले को इससे करेंगे, ओके। तो 8x-3 क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो एज इट इज ही आएगा ना, और 2 को 3x से करेंगे तो 6x आ जाएगा, ठीक है। तो 8x-6x और इक्वल 3। तो 8x में से 6x गया तो 2x बच गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। ये है क्वेश्चन 1, काफी आसान क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर टू 9x-7-6x इक्वल 15। इसमें भी वही करेंगे क्योंकि देखो इधर क्या है, होल नंबर है, तो अपॉन में 1 कर देंगे। अब 9x को 1 से किया तो क्या आएगा, 9x, अब 15 को 7-6x से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो 9x इक्वल, अब देखो 15 7 जा 105, अब 15 को 6 से किया तो 90x, ओके। अब x वाले टर्म को एक तरफ करेंगे तो 9x प्लस 90x इक्वल 105। इसको जब ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, 99x इक्वल 105। तो x की वैल्यू होगी 105 अपॉन में 99, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो आर एच इसमें आके डिवाइड हो जाएगा, ओके। अब ये किससे कट सकता है, 3 से कट सकता है, तो 33। अब इसको काटोगे तो 35। अब देखो ये दोनों नंबर तो डिविजिबल नहीं है ना, तो 35/33 यही इसका आंसर, ओके। अब क्वेश्चन नंबर थ्री z+15 इक्वल 4/9। अब देखो इधर ऑलरेडी हमारा क्या है, रैशनल नंबर, और इधर भी रैशनल नंबर है, तो अपॉन में 1 करने की हमें जरूरत नहीं है, बस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले को इससे कर देंगे। तो 9z इक्वल क्या हो गया, 4z+15। तो 9z इक्वल 4z, अब 15 4 जा 60, ओके। अब जेड वाले टर्म को एक्सेप्ट करेंगे, 9z-4z इक्वल 60। तो 5z इक्वल 60, तो z की वैल्यू हो जाएगी 60/5। 5 को 60 से डिवाइड करते तो कितना आता है, 12 आता है, यही इसका आंसर, ओके। अब क्वेश्चन नंबर फोर करने के लिए हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करना है। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, 3y+4 अपॉन में 2-6y इक्वल -2/5। अब देखो इसे भी हम क्रॉस कर लेंगे, एक काम करते हैं मैं क्वेश्चन नंबर 5 भी लिख लेते हैं, 7y+4 अपॉन में y प्लस
2 और इक्वल -4/3। इन दो क्वेश्चन को करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 3y + 4 और इक्वल में -2 2 -6y। अब बस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 = 15y, अब 5 4 = 20। -2 को 2 से किया तो -4, अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, प्लस साइन हो जाता है ना, तो 2 6 = 12। अब y वाले टर्म को एक तरफ करेंगे, 15y - 12y, अब -4, और ये 20 इधर आएगा जिसका भी साइन चेंज हो जाएगा, तो -20, 15 में से 12 जाएगा तो 3 3y = -24, तो y की वैल्यू -24/3 ये कितना आ गया -8। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी क्रॉस करेंगे तो 3 से 7y + 4 मल्टीप्लाई होगा और -4 से y + 2 होगा। ओके, अब बस मल्टीप्लाई करते हैं, 21y + 12 - 4y - 8। ओके, अब y वाले टर्म को एक तरफ करेंगे, 21y - 4y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +4y - 8 और +12 राइट हैंड साइड में जाएगा तो -12। ओके, 21 + 4 = 25y = -20, तो y की वैल्यू हो जाएगी -20/25। अब देखो ये 5 की टेबल से जा रहा है ना, तो 5 आइए माइनस तो -4/5 ये इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर 2 जो है अब आपका खत्म हो गया। अब अगली क्लास जो होगी, अगला वीडियो जो बनेगा वो चैप्टर 3 पे बनेगा, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और थोड़ा जिस तरह से इसका नाम है ना अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर, इसमें अंडरस्टैंड करना होगा, जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक यू।